स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। सबसे पहले देखते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न को। विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी SEZ का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? विकल्प ए, निवेश को प्रोत्साहित करने और रोजगार सृजन के लिए शुल्क मुक्त क्षेत्र तथा अद्वितीय व्यावसायिक कानून प्रदान करना। विकल्प बी, सरकारी राजस्व बढ़ाने के लिए व्यवसायों पर अतिरिक्त कर लगाना। विकल्प सी, देश के सभी क्षेत्रों में व्यावसायिक कानून में एकरूपता लाने के लिए उन्हें मानकीकृत करना। या विकल्प डी, मुक्त व्यापार को बढ़ावा देने के लिए निर्दिष्ट क्षेत्रों में सभी विनियमित और निरीक्षण को समाप्त करना। तो इसका सही उत्तर है विकल्प ए। SEZ किसी देश के भीतर एक ऐसा क्षेत्र है जो आमतौर पर शुल्क मुक्त राजकोषीय रियायत होता है, जिसमें मुख्य रूप से निवेश को प्रोत्साहित करने तथा रोजगार उत्पन्न करने के लिए अलग अलग व्यवसाय एवं वाणिज्यिक कानून होते हैं। इन क्षेत्रों के बेहतर प्रशासन के लिए भी विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाए गए हैं, जिससे व्यापार करने में आसानी होगी। SEZ अधिनियम के उद्देश्य क्या हैं? तो अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियों के लिए वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देना, रोजगार पैदा करने के लिए घरेलू और विदेशी निवेश को बढ़ावा देना, बुनियादी सुविधाओं का विकास करना। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका मुख्य रूप से किससे संबंधित है? विकल्प ए, किसी व्यक्ति को अनिश्चित काल तक हिरासत में रखना। विकल्प बी, किसी व्यक्ति की हिरासत की वैधता और कारण। विकल्प सी, किसी व्यक्ति की अभिव्यक्ति में स्वतंत्रता के अधिकार को सुनिश्चित करना। या विकल्प डी, विधायी कार्यवाहियों की समीक्षा करना। तो इसका सही उत्तर है विकल्प बी। बंदी प्रत्यक्षीकरण यह एक लैटिन शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है शरीर को अपने पास रखना। इसके तहत न्यायालय किसी व्यक्ति को आदेश जारी कर सकता है कि वह किसी अन्य व्यक्ति को हिरासत में लेकर उसके शव को उसके समक्ष प्रस्तुत करे। इसके बाद न्यायालय हिरासत के कारण और वैधता की जांच करता है। यह रिट मनमाने ढंग से हिरासत में लिए जाने के विरुद्ध व्यक्तिगत स्वतंत्रता का एक कवच है। बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका सार्वजनिक प्राधिकारियों के साथ साथ निजी व्यक्तियों दोनों के विरुद्ध जारी की जा सकती है। अगला प्रश्न है लिथियम के अनुप्रयोगों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, लिथियम का उपयोग मुख्यतः मोबाइल फोन, लैपटॉप और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए रिचार्जेबल बैटरी के उत्पादन में किया जाता है। विकल्प दो, लिथियम क्लोराइड और लिथियम ब्रोमाइड का उपयोग उनके आर्द्रता ग्राही गुणों के कारण एयर कंडीशनिंग प्रणालियों में किया जाता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या हैं? विकल्प ए, केवल एक। विकल्प बी, केवल दो। विकल्प सी, एक और दो दोनों। या विकल्प डी, ना तो एक ना ही दो। तो इसका सही उत्तर है विकल्प सी। लिथियम का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग मोबाइल फोन, लैपटॉप, डिजिटल कैमरा और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए रिचार्जेबल बैटरियों में होता है। इसका उपयोग हृदय, पेसमेकर, खिलौनों और घड़ियों जैसे चीजों के लिए कुछ गैर रिचार्जेबल बैटरियों में भी किया जाता है। मैग्नीशियम लिथियम मिश्र धातु का उपयोग कवच बढ़ाने के लिए किया जाता है। एयर कंडीशनिंग में अगर देखें तो लिथियम क्लोराइड और लिथियम ब्रोमाइड का उपयोग उनके हाइड्रोस्कोपिक गुणों के कारण एयर कंडीशनिंग एवं औद्योगिक सुखाने प्रणालियों में किया जाता है। अगला प्रश्न है, जागर लोक संस्कृति उत्सव का प्राथमिक केंद्र क्या है? विकल्प ए, आधुनिक कला प्रदर्शनियां। विकल्प बी, उत्तराखंड की लोक संस्कृति और परंपराएं। विकल्प सी, शहरी विकास परियोजनाएं। या विकल्प डी, वैज्ञानिक अनुसंधान और प्रौद्योगिकी। तो इसका सही उत्तर है विकल्प बी। जागर लोक संस्कृति उत्सव की जहां तक बात है तो यह उत्तराखंड की लोक संस्कृति और परंपराओं का उत्सव है। जागर यह शमनवाद का एक हिंदू रूप है जो उत्तराखंड के गढ़वाल और कुमायूं दोनों क्षेत्रों में प्रचलित है। शमनवाद एक वैश्विक आध्यात्मिक अभ्यास है जिसमें एक शमन आत्मिक विश्व के साथ बातचीत करने, उपचार करने, आत्माओं के साथ संवाद करने और आत्माओं का मार्गदर्शन करने के लिए चेतना की परिवर्तित अवस्था में प्रवेश करता है। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन भेड़िया का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? विकल्प ए, भेड़ियों के एक झुंड को पकड़ना और बेअसर करना। विकल्प बी, वन्यजीव संरक्षण प्रयासों को बढ़ाना। विकल्प सी, नए वन्यजीव संरक्षण नियम लागू करना। या विकल्प डी, प्रभावित क्षेत्रों में इको टूरिज्म को बढ़ावा देना। तो इसका सही उत्तर है विकल्प ए। ऑपरेशन भेड़िया का उद्देश्य हमलों के लिए जिम्मेदार भेड़ियों के एक झुंड को पकड़ना और बेअसर करना है। ऑपरेशन भेड़िया की जहां तक बात है तो इसका उद्देश्य हाल के हमलों के लिए जिम्मेदार भेड़ियों के एक झुंड को पकड़ना और बेअसर करना है। प्रौद्योगिकी और रणनीति पर नजर डालें तो भेड़ियों का पता लगाने और उन पर नजर रखने के लिए ड्रोन कैमरों एवं थर्मल ड्रोन मैपिंग का उपयोग किया जाएगा। भेड़ियों को सुरक्षित रूप से पकड़ने के लिए उन्हें बेहोश करने की मंजूरी मिल गई है। मुख्य वन्यजीव वार्डन अनुसूची 1 के अनुसार किसी वन्यजीव के शिकार की अनुमति दे सकते हैं यदि वह मानव के लिए खतरा उत्पन्न करता है तथा इसके लिए कारण बताते हुए लिखित आदेश जारी कर सकते हैं। इसे IUCN द्वारा सबसे कम चिंताजनक लीस्ट कंसर्न के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची एक में सूचीबद्ध किया गया है और साइट्स के परिशिष्ट एक में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, धौली गंगा का उद्गम कहां से होता है? विकल्प ए अलकनंदा, विकल्प बी वसुधारा ताल, विकल्प सी नंदाकिनी या विकल्प डी भागीरथी। तो इसका सही उत्तर है विकल्प बी। धौली गंगा का उद्गम वसुधारा ताल से होता है जो संभवतः उत्तराखंड की सबसे बड़ी हिमनद झील है। धौली गंगा अलकनंदा की महत्वपूर्ण सहायक नदियों में से एक है। अन्य सहायक नदियों में नंदाकिनी, पिंडर, मंदाकिनी और भागीरथी हैं। यह विष्णुप्रयाग में अलकनंदा में मिल जाती है। अगला प्रश्न है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस चोटी से घिरा हुआ है और इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया गया? विकल्प ए नंदा देवी 1982, विकल्प बी नंदा देवी 1988, विकल्प सी माउंट एवरेस्ट 1988 या विकल्प डी माउंट एवरेस्ट 1982। तो इसका सही उत्तर है विकल्प बी। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान भारत के उत्तराखंड में नंदा देवी की चोटी के आसपास स्थित है। इसकी ऊंचाई 7816 मीटर के आसपास है। इसमें नंदा देवी अभयारण्य शामिल है जो चोटियों से घिरा एक हिमनद बेसिन है और ऋषि गंगा द्वारा अपवाहित है। वर्ष 1982 में संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के रूप में स्थापित इसका नाम बदलकर नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया। वर्ष 1988 में इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में अंकित किया गया। अगला प्रश्न है, राजस्थान में राज्य कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी के संबंध में हाल ही में किस बदलाव को मंजूरी दी गई? विकल्प ए 15 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपया किया गया, विकल्प बी 10 लाख से बढ़ाकर 15 लाख रुपया किया गया, विकल्प सी 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये किया गया या विकल्प डी ग्रेच्युटी राशि में कोई बदलाव नहीं किया गया। तो इसका सही उत्तर है विकल्प सी। केंद्रीय सरकार पेंशन नियमों के अंतर्गत राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम 1996 के नियम 67 एवं 87 में संशोधन को भी स्वीकृति दी गई। 70 से 75 वर्ष की आयु के पेंशन भोगियों के लिए 5% अतिरिक्त भत्ता स्वीकृत किया गया। यदि कोई अन्य पात्र सदस्य नहीं है तो दिव्यांग बच्चों, आश्रित माता पिता और दिव्यांग भाई बहनों को अब पेंशन भुगतान में स्थायी रूप से जोड़ा जा सकता है। राज्य कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी एवं मृत्यु ग्रेच्युटी 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए की गई। अगला प्रश्न है, हरित घोषणा पत्र का उद्देश्य हरियाणा की किस पारंपरिक वृक्ष प्रजाति को पुनः स्थापित करना है? विकल्प ए आम और केला, विकल्प बी लेसोडा, खेजड़ी, इंद्रोक और जाल, विकल्प सी सागौन और बांस या विकल्प डी चीड़ और ओक। तो इसका सही उत्तर है विकल्प बी। हरित घोषणा पत्र की वन संबंधी मांग लेसोड़ा, खेजड़ी, इंद्रोक और जाल जैसी हरियाणा की पारंपरिक वृक्ष प्रजातियों को पुनः लागू करना है। साथ ही जैव विविधता से भरपूर स्थानों के निर्माण हेतु पारिस्थितिकी रूप से सही तरीके से देसी वृक्षारोपण यानी ऊंचे वृक्ष, भूमिगत वृक्ष, झाड़ियां, लताएं, घास को बढ़ावा देना, विनाशकारी गतिविधियों और वाणिज्यिक परियोजनाओं पर रोक लगाने के लिए अरावली तथा शिवालिक को कानूनी रूप से क्रिटिकल इकोलॉजिकल जोन्स अर्थात महत्वपूर्ण पारस्परिक क्षेत्र के रूप में नामित किया जाना चाहिए, शेष पहाड़ियों को संरक्षित करने के लिए वैकल्पिक निर्माण सामग्री के उपयोग को बढ़ावा देना चाहिए, महेंद्रगढ़ जिले को पहाड़ी डार्क जोन घोषित किया जाए तथा भूजल स्तर 1500 से 2000 फीट के अत्यधिक निम्न स्तर के कारण सभी खनन और पत्थर तोड़ने के कार्य बंद किए जाने चाहिए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी NCR में खनन को वैध बनाने हेतु सर्वोच्च न्यायालय में राज्य की अपील वापस ली जाए। तो आइए अंत में नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 से संबंधित है? विकल्प ए चुनाव आचरण का विनियमन, विकल्प बी निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन, विकल्प सी राजनीतिक दलों का पंजीकरण या विकल्प डी भ्रष्ट आचरण पर अंकुश लगाना। तो इस प्रश्न का जवाब कॉमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।